यक्ष का अगला प्रश्न था, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष ने प्रश्न पूछा, आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार, आसक्ति है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, नशा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आसक्ति। यक्ष का अगला प्रश्न था, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अनासक्ति ही मुक्ति है। यक्ष ने प्रश्न किया, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिसके पास विवेक है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, चोर कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इंद्रियों के आकर्षण, जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, नरक क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इंद्रियों के दास रहना ही नरक है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया हुआ है। कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यौवन, धन और जीवन। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, दुर्भाग्य का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मद और अहंकार। यक्ष का अगला प्रश्न था, सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। यक्ष ने प्रश्न किया, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो सब छोड़ने को तैयार हो। यक्ष ने प्रश्न किया, मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष ने प्रश्न किया, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। यक्ष का अगला प्रश्न था, संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिसमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष ने प्रश्न किया, भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वैराग्य से। यक्ष ने प्रश्न किया, मुक्त कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर था, जो अज्ञान से परे है। यक्ष का प्रश्न था, अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। यक्ष का प्रश्न था, दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो कभी क्रोध नहीं करता। यक्ष ने प्रश्न किया, वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माया। यक्ष ने प्रश्न किया, माया क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर था, नाम और रूपधारी नाशवान जगत। यक्ष का प्रश्न था, परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ब्रह्म। यक्ष ने प्रश्न किया, सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। यक्ष ने प्रश्न किया, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि स्थायित्व किसे कहते हैं, धैर्य क्या है, स्नान किसे कहते हैं और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है, मन के मैल का त्याग करना ही स्नान है और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने प्रश्न किया, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। यक्ष ने प्रश्न किया, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता। यक्ष ने प्रश्न किया, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर था, मन। यक्ष का अगला प्रश्न, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर था, चिंता। यक्ष ने प्रश्न पूछा, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर का उत्तर था, विद्या। यक्ष का अगला प्रश्न था,
घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर का उत्तर था पत्नी। यक्ष ने प्रश्न किया, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दान, क्योंकि वही मनुष्य के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष ने प्रश्न किया, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष का अगला प्रश्न था, सुख क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सुख वह चीज है जो सील और सचरित्रता पर आधारित है। यक्ष ने प्रश्न किया, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहंकार के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष ने प्रश्न किया, किस चीज को गवा कर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लालच को खोकर। यक्ष ने प्रश्न किया, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है, यही महान आश्चर्य है। इस तरह युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अंत में यक्ष बोला, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूँगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा, लेकिन यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से ही होती है। मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, कुंती का एक पुत्र मैं तो बचा हूँ। मैं चाहता हूँ माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष उत्तर सुनकर काफ़ी खुश हुए और उन्होंने सारे भाइयों को जीवित किया और महाभारत की जीत का वरदान देकर वह अपने धाम लौट गए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।